हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन हंगामा बनाने की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी ये चिकन हंगामा बनता है। बहुत आसानी से आप इसे अपने घर पर बना सकते हैं। इसे बनाना जितना आसान है उतना ही टेस्टी बनता है। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देख लेते हैं चिकन हंगामा कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हमें लेना है 1 किलो चिकन और इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। और अब हमें चिकन को मैरिनेट करना है। तो इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 2 से 3 टेबल स्पून फ्रेश दही है ये डाल देंगे और 1/4 टीस्पून इसमें रेड ऑरेंज फूड कलर डालेंगे। और इन सभी मसालों को चिकन में अच्छी तरह से मिला लेना है और इसे आधे घंटे के लिए हम मैरिनेट करके रख देते हैं। और ये देखिए, चिकन में सभी मसालों को अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देते हैं। अगर ज़्यादा टाइम के लिए रखना चाहते हैं तो फिर फ्रिज में रख दीजिएगा। और इधर हमें ग्रेवी के लिए कुछ मसाले इकट्ठे करने हैं। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1 टीस्पून नमक डालेंगे और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर और 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी को तवे पर हल्का सा रोस्ट कर लीजिएगा और थोड़ा सा पानी डालकर हम इन सभी मसालों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो ग्रेवी के लिए हमारा मसाला तैयार है। अभी हम इसे साइड में रख देते हैं। और ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं, इनको गोल्डन फ्राई कर लिया है। और 10 से 12 काजू लिए हैं, इन्हें मिक्सी के जार में डालकर और थोड़ा सा पानी डालकर एकदम स्मूथली ग्राइंड कर लेना है। तो ये देखिए, काजू और प्याज को मैंने एकदम स्मूथली ग्राइंड कर लिया है। अभी हम इसे भी साइड में रख देते हैं। और इधर हमारा चिकन भी मैरिनेट हो गया है, तो अब हम चिकन को फ्राई कर लेते हैं। तो एक पैन ले लेंगे और इसमें 2 टेबल स्पून तेल ऐड कर देंगे और सभी चिकन के पीस हम इसके अंदर डाल देंगे। और जितना चिकन इस पैन में आएगा हम उतना ही फ्राई करेंगे, बाकी का बचा हुआ चिकन हम अभी बाद में फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, चिकन को हमने पैन के अंदर ऐड कर दिया है। अब हम हाई फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेते हैं। 4 से 5 मिनट के बाद इसकी साइड को टर्न कर देंगे। तो ये देखिए, 4 से 5 मिनट हो गए हैं चिकन को हाई फ्लेम पर एक साइड से फ्राई होते हुए। तो अब हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर आने लगा है चिकन के ऊपर। और दूसरी साइड से भी हम इसे ऐसे ही अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं 4 से 5 मिनट के लिए। और ये देखिए, चिकन को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं और जो बाकी का बचा हुआ चिकन है उसे भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो बाकी का बचा हुआ चिकन भी हमने पैन में ऐड कर दिया है और बाउल में जो मसाला बचा हुआ है उसे साइड में रख देते हैं। उसका इस्तेमाल हमें ग्रेवी में करना है। और ये वही तेल है जिसमें मैंने प्याज को गोल्डन फ्राई किया था। तो 1/2 कप के करीब ये तेल है। इसमें कुछ गरम मसाले ऐड करने हैं हल्के फुलके से। तो ये 5 से 6 हरी इलायची हैं, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का और जो मसाला हमने ग्रेवी के लिए तैयार किया था वो मसाला हमें इसके अंदर ऐड कर देना है। और ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इन मसालों को 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। तो 3 से 4 मिनट मसाले को भून लिया है। अब हम इसमें 1/2 कप दही ऐड कर देंगे। तो फ्रेश दही का इस्तेमाल कीजिएगा और दही डालकर हम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और जो बाउल में हमारे मैरिनेट बचा हुआ था वो सारा मैरिनेट हमें इसके अंदर डाल देना है। और दही का पानी ड्राई होने तक हम इसे हाई फ्लेम पर भून लेंगे। तो अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो ये देखिए, दही का सारा पानी ड्राई होने तक हमने इसे अच्छी तरह से भून लिया है। अब हमें इसमें प्याज और काजू का पेस्ट डाल देना है, जो प्याज हमने गोल्डन फ्राई करके रखी थी, और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो थोड़ा सा हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए और भून लेते हैं। तो मसाले को हमने 2 से 3 मिनट के लिए और फ्राई कर लिया है। अब हमें इसमें फ्राई किया हुआ चिकन ऐड कर देना है। तो ये सारा चिकन इस ग्रेवी के अंदर चला जाएगा और मिला देंगे इसको अच्छी तरह से।
और अब हम इसमें 3 से 4 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम ऐड कर देंगे। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप इसकी जगह दूध की मलाई भी ऐड कर सकते हैं, और मिला देंगे इसे अच्छी तरह से। और अब हमें इसमें आधा कप पानी डालना है, तो मैंने मिक्सी के जार को खंगाल कर इसमें डाल दिया है क्योंकि उसमें काफ़ी मसाला लगा हुआ था। और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और हाई फ्लेम पर एक उबाल आने का वेट कर लेंगे। और जब इसमें एक उबाल आ जाएगा तो गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसे 10 से 12 मिनट पकाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारा चिकन पका हुआ है। और ये देखिए चिकन को पकते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं लो फ्लेम पर। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा चिकन हंगामा बनकर तैयार है। और अब हम इसमें 2 से 3 हरी मिर्च डाल देंगे और थोड़े से हरे धनिए के पत्ते डाल देते हैं। मिला लेंगे इसको अच्छी तरह से। तो इस तरह से हमारा चिकन हंगामा बनकर तैयार है। आइए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त, कितना टेस्टी हमारा चिकन हंगामा बनकर तैयार हुआ है। और आप इसकी ग्रेवी भी देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।